हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम कुछ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो मेनली हम कवर करेंगे टुडे फंक्शन, डे फंक्शन, मंथ फंक्शन और ईयर फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे और अपना आउटपुट यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट डेट। तो करंट डेट अगर आपको डिस्प्ले करनी है या आपको स्टोर करनी है एक्सेल के अंदर, तो आप क्या करोगे, टुडे फंक्शन यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल, उसके बाद में आप लिखोगे टुडे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एंड उसके बाद में आप हिट करोगे अपना एंटर। तो जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये करंट डेट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आपको करंट डेट का डे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इक्वल, डे फंक्शन है हमारे पास, उसके अंदर हम पास कर देंगे टुडे। टुडे क्यों, टुडे से हमारे को करंट डेट मिलेगी और फिर उस करंट डेट का हमारे को डे मिलेगा। तो जैसे ही आप एंटर हिट करोगे आपको रिटर्न करेगा 21। सिमिलरली हम देख सकते हैं मंथ, अगर आपको मंथ फाइंड आउट करना है किसी डेट का, तो मंथ फंक्शन लिखोगे, उसके अंदर हम पास कर देंगे टुडे। टुडे के लिए अभी हम देख रहे हैं क्योंकि हम करंट के लिए देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई डेट है तो आप डायरेक्टली वो डेट भी पास कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे एंटर किया तो मंथ है, इसने रिटर्न किया। ऐसे ही हम ईयर निकाल सकते हैं, तो ईयर के अंदर टुडे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंटर, तो इसने ये रिटर्न किया। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास इस तरह से कोई डेट लिखी हुई है 05/05/2022, ठीक है, अभी इस केस में हमारे पास दोनों तरफ 5/5 है, तो कभी अगर हमारे पास हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डेट है, कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, वो फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे अगर मेरे को डे फाइन करना, तो मैं इक्वल डे पैरेंथेसिस सेलेक्ट करा मैंने इस सेल को, बंद किया, एंटर किया, तो इसने एक बताया कि यहाँ पे 5 जो है वो डे है। और अगर ऐसे हमारे को मंथ फाइंड आउट करना है तो मंथ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास 7 होता और हमारे को चेक करना है कि मंथ कौन सा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से इक्वल मंथ, सेल सेलेक्ट करेंगे 7, तो इस तरह से हमारे को फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। तो ये था ये कुछ फंक्शंस का। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे को किसी डेट डेट के अंदर कुछ डे ऐड करना तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल टुडे, अब हम इसमें +5 कर देंगे, तो डायरेक्टली आप लिखोगे +5, तो ये क्या करेगा, करंट डेट में +5 ऐड कर देगा, तो इसने बताया 26। अगर ऐसे ही आपको माइनस करना है तो इक्वल टुडे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस -5, तो हमारे को इससे -5 डे मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको टुडे के लिए, अभी हम करंट के लिए देख रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर डेट के लिए देखना है तो आप वो डेट लिखोगे, उसके बाद में उसको माइनस कर दोगे 5 से, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो आउटपुट दे देगा। तो मेनली सेशन में हमने कवर किया टुडे, डे और मंथ और ईयर फंक्शन। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और फंक्शन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।